पर इस वाहन में सवार होकर रात्रि गश्त कर रहे दो पुलिस कर्मचारियों पर फायरिंग करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करने में पुलिस की अपराध शाखा को कामयाबी मिली है। गिरोह के पास सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से वारदात को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई है। पांचों आरोपियों की पुलिस हिरासत के दौरान उनसे कई जरूरी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आने की संभावना जताई गई है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में वाशिम जिले के रिसोर्ट तहसील के अश्विन गणेश मुंडे उम्र 21 वर्ष, भावेश उर्फ अर्जुन रविन्द्र मुंडाले उम्र 19 वर्ष, सागर नरेश्वर चौके उम्र 25 वर्ष, अविनाश भीमराव मुंडाले उम्र 26 वर्ष और योगेश रामराव मुंडाले उम्र 26 वर्ष का समावेश है। इन सभी पर आरोप है कि 30 दिसंबर की आधी रात के बाद यह गिरोह जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए उरल थाने की सीमा में आने वाले ग्राम मांजरी फाटे से कंचनपुर रोड पर घूम रहे थे। रात्रि गश्त कर रहे पुलिस कर्मचारियों के रुकने के इशारे के बाद यह सभी फरार होने के प्रयास में थे। इससे पेश गिरोह के एक सदस्य ने पुलिस वाहन को करीब आता देख उस पर फायरिंग की थी, जिसमें दिनकर इंगले और नितेश मुंडे बाल बाल बच गए थे। पुलिस की अपराध शाखा ने मामले की पड़ताल का बीड़ा उठा लिया था, जिसमें उसे कामयाबी मिली। यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभय डोंगरे, सहायक पुलिस अधीक्षक गोकुल राज के मार्गदर्शन में एलसीबी के पुलिस निरीक्षक शंकर शेलके के नेतृत्व में सहायक पुलिस निरीक्षक कैलाश भगत, पीएसआई गोपाल जाधव तथा भास्कर धोत्रे, रविन्द्र खंडारे, सुल्तान पठान, महेंद्र मरिये, अब्दुल मासिद, अविनाश पाजपुर, एजाज अहमद, वसीमुद्दीन शेख, विशाल मोरे, भीमराव दीपके, स्वप्निल खेड़कर, सतीश पवार, नफीस शेख, अक्षय बोबड़े, प्रवीण कश्यप तथा साइबर सेल के आशीष आमले ने अंजाम दिया है। कल उनके प्रयासों की जानकारी के लिए घटनास्थल भेंट देकर हमारी तरफ से कुछ निश्चित निर्देश दिए गए। कल रात्रि इसके बारे में एक बड़ा ऑपरेशन किया गया, जिसमें कि एलसीबी के 4 अधिकारी 28 ईमानदारों ने सहभाग लिया एंड गुना में 5 आरोपी जिनका सहभाग मिला उनको दावे में लिया गया है। इसके अलावा गुने में यूज़ की गई 2 गाड़ी उसको भी सीज किया गया है। इसके अलावा आगे की तपास शुरू है। इसमें विशेषतः इन आरोपी की तरफ से और कोई तरह का गुनाह किया गया है क्या, और गुनाह में जो वापर किया हुआ वेपन है वो कहाँ से लेके आए, उसके बारे में आगे की तपास की जाएगी। इसके अलावा गुने में 307 कलम का बढ़ा दी गई है। हमारी तरफ से एक सबको आह्वान है कि पुलिस की ओर किसी भी तरह का हल्ला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निश्चित ही बहुत ज्यादा कठोर कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जाएगी। एनबीसी न्यूज के लिए अकोला से असगर खान की खास खबर।